सो हेलो मेरे हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, मिस्टर वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल गेमिंग। और आई होप लोग अच्छी होंगे, आपकी गेमिंग अच्छी चल रही होगी। मैं अभी छोड़ी, मेरी भी गेमिंग अच्छी चल रही है। तो बात करते हैं आज हमारे नए अपडेट्स के रिगार्डिंग, जो कि आपको सितंबर के मंथ में पूरे देखने को मिलेंगे। ये मैं टोटल अपडेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे नए नए अपडेट देखने को मिलेंगे। बट अभी तक जितने अपडेट्स की कन्फर्मेशन हो चुकी है उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है जो कि जोसेफ कैरेक्टर, जैसे कि आपको पता है एलाइट पास में जोसेफ के हमें यहाँ पे फिगरमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो यार फिगरमेंट देखने को मिलने, तो ऑफकोर्स ही बात है करेक्टर आएगा। आप करेक्टर कब तक आएगा ये चीज है, क्योंकि यार 10 तारीख को तो हमारा जो इलाइट पास है, मतलब इलाइट पास जो है वो फ्री में मिल जाएगा सबको जिन्होंने लॉग इन कर रखा होगा 12-13 दिन। बट यहां पे उससे पहले पहले मिलना चाहिए। अब 10 तारीख से पहले कौन सा हाईलाइटेड इवेंट आ रहा है? 10 तारीख से पहले जो हाईलाइटेड इवेंट आ रहा है वो 6 तारीख, क्योंकि 6 तारीख को इंडिपेंडेंस डे है ब्राजील में या फिर बाहर किसी कंट्री में। तो वहां कुछ धूमधाम चल रही है, जैसे हमारे वहां धूमधाम चलती है, जैसे हमारे वहां सेलिब्रेशन चलता है वैसे ही वहां भी सेलिब्रेशन चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं 6 तारीख को आएगा, बट ये टाइम जोन से आगे पीछे हो सकता है। क्या पता उनका हमसे थोड़ा सा पहले आए या हमसे थोड़ा सा बाद में आए, तो ये टाइम जोन का थोड़ा फर्क पड़ सकता है। बट जो मेनली लोग कह रहे हैं वो 6 तारीख को ही अपडेट आएगा, एक छोटा मोटा अपडेट। अब इसके बाद बात करते हैं कि जोसेफ कैरेक्टर क्या कैली से अच्छा है, क्योंकि आपको पता होगा कि दोनों के दोनों में स्पीड की बात हुई है। कैली भी एक जिसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी अच्छी है, कैली की भी और जोसेफ की भी। अब बात करने की बात है कि यार जोसेफ अच्छा है या कैली अच्छा है, ये तो सेम चीज़ वही पंगा हो गया जब लोगों ने कहा था मेगल या फिर हमें चाहिए मैक्सिम, तो ये वही बात होगी। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कैली है वो थोड़ी सी स्लो है मैक्सिम से, मतलब मैक्सिम जो बोल रहा हूँ हमारे जोसेफ कैरेक्टर से। यहाँ पर जोसेफ कैरेक्टर की जो स्पीड है वो 20% इंक्रीज़ होती है, जबकि कैली की 6%। अगर हम लोग एंड्रयू से कंपेयर करें जोसेफ और कैली को, तो कैली जो है एंड्रयू से 6% फास्टर है और जो जोसेफ है वो 20% फास्टर है। तो यहाँ पे देखने की बात होगी कि 14% फास्टर है जोसेफ। बट ऐसा नहीं है कि कैली खराब है, क्योंकि कैली की जो कैरेक्टर की एबिलिटी है वो ऑल ओवर मैच में रहेगी। मतलब आपकी जो कैली की एबिलिटी होती है वो शुरुआत से लेकर के एंड तक रहती है, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आपकी अब थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी या फिर ऐसा होगा। जहाँ कहीं पे भी जो कैली का यूज़ करेगा वो उतनी स्पीड 6 की 6 रहेगी, 6% की 6% रहेगी। बट यहाँ पे जो हमारे जोसेफ कैरेक्टर, उसका सीन कुछ अलग है। सीन ये है कि जब जोसेफ कैरेक्टर को डैमेज पहुँचने लगता है, जब उसको डैमेज पहुँचता है, तो वो कुछ 1 या 2 सेकंड के लिए 20% फास्टर हो जाता है, जिससे उसको एक काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है। अगर आपने रैम्पेज मोड खेला हो तो जब आपकी जो आपकी कह सकते हैं जो आपकी स्पीड हो, तो मतलब कि जब आपका पूरा भर जाते ही रे, जब आपकी पूरी पावरफुल हो जाती है, तब आप जितनी तेज दौड़ते हो उतनी ही तेज ये कैरेक्टर दौड़ेगा। जब इसको डैमेज पहुंचेगा तो 20% जब ये फास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने की बात है कि जोसेफ कैरेक्टर कितना अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है लोग अभी भी कैली को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरे मैच में आपका साथ निभा रहा है और एक ऐसा कैरेक्टर जब डैमेज पहुंच रहा है तब स्पीड हो रही है। तो ये चीज़ सेम हयाटो के जैसा ही सीन हो गया थोड़ा, तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ मेरे को बतानी थी। इसके बाद जो अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगली चीज़ है आपकी हेलमेट। तो हेलमेट आपको लेवल 4 का बहुत जल्दी गेम में देखने को मिलेगा। लेवल 4 के हेलमेट के रिगार्डिंग अगर आपको ना पता हो, तो ये हेलमेट काफ़ी ज़्यादा यूनिक हेलमेट होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो मैंने इसको एडवांस सर्वर पे टेस्ट किया था, तब यहाँ पे क्या होता था कि एडवांस सर्वर पे जब कभी हम लोग इसको टेस्ट करते थे तो ये हेलमेट शो नहीं होता था। तो अब देखने की बात है, क्या पता वो एडवांस सर्वर का कोई बग हो, बट यहाँ पर गेम में आपको बहुत जल्दी लेवल 4 का हेलमेट देखने को मिलेगा। और ये हेलमेट की अभी तो पावर आवर के बारे में नहीं पता कि कितना ये पावर कंट्रोल करता, मतलब इसके अंदर कितना पॉइंट है वो तो नहीं पता मुझे, बट कितना ये सह सकता है, जैसे 200-300 कितना सह सकता है। बट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक चीज़ यूनिक है कि जब इस पर कोई AWM से हेडशॉट मारता तो लेवल 3 के हेलमेट में आप किल हो जाते हो डायरेक्ट, बट यहाँ पर लेवल 4 के हेलमेट में आप किल नहीं होगे, आप यहाँ पर सीधे आपका हेलमेट ब्लास्ट हो जाएगा, आपका हेलमेट इनविजिबल हो जाएगा, हट जाएगा और वहां पे आपको थोड़ा सा डैमेज पहुंचेगा बट आप किल नहीं होगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि आपको लेवल 4 के हेलमेट में आपको AWM से प्रोटेक्शन मिल रहा है। एंटी AWM वाला हेलमेट हो गया है, तो कहने की बात तो यही होगी कि एंटी AWM वेपन हो गया अब। तो इसके बाद जो अगली चीज के बारे में बात करते हैं, अगली चीज है हमारी प्लाज्मा वेपन। अब प्लाज्मा वेपन के रिगार्डिंग मैंने बताया था, मैंने इसका नाम दिया था हीट वेपन, बट ये हीट वेपन नहीं, एक प्लाज्मा वेपन है जिसमें आपको अनलिमिटेड एमोज देखने को मिलेंगी, बहुत जल्दी आपको गेम में दिखेगा। और ये वेपन मेरे ख्याल से एक स्पेशल मोड के अंदर आएगा, क्योंकि एक ऐसा वेपन जिसकी एमओ अनलिमिटेड है जो कि खत्म नहीं होती और साथ में वो अच्छा खासा डैमेज डील करता है, तो ये ओवर पावर्ड वेपन हो जाएगा और जिसके भी हाथ में आएगा वो पूरे गेम में बाप बन जाएगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये वेपन किसी स्पेशल मोड
मोड में ही आएगा। क्या पता ये एक हमारे क्लैश क्वाड के अंदर दें, क्योंकि क्लैश क्वाड अभी आपको पता ही जैसे कि क्लैश क्वाड अभी हमारी रिपेयर में गई है, मतलब कि उसमें काम चल रहा है और उसको मतलब और अच्छा इन्हेंस कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो क्या पता ये क्लैश क्वाड के अंदर एक वेपन दें हमारे प्लाज्मा वेपन, या फिर किसी पर्टिकुलर मोड के अंदर आए। तो देखने की बात है कि आपको बहुत जल्दी ये वेपन देखने को मिलेगा गेम के अंदर, जो उसमें अनलिमिटेड एमओ मिलती है और साथ में चार्ज होता है। तो उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है हमारी ग्लाइडर। अब ग्लाइडर के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने चैनल पे जाके नहीं देखी कि आउट ऑफ फ्लाई ग्लाइडर, मतलब ग्लाइडर को कैसे फ्लाई करें और किस तरीके से इसका यूज़ करें और क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लो। ग्लाइडर भी आपको बहुत जल्दी गेम में देखने को मिलेगा। ग्लाइडर का सिंपली यूज़ यही है कि आप बिना एनिमी को बताए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, जो कि आपके व्हीकल नहीं करते हैं। व्हीकल्स में आपका काफ़ी ज़्यादा साउंड होता है मतलब इधर से उधर जाने में, और एनिमीज़ को पता चल जाता है, बट ग्लाइडर साथ यह है कि आप उड़ते उड़ते एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, एनिमीज को पता भी नहीं चलेगा कब आप उनके पीछे चले गए और कब हमने उनको किल कर दिया। तो काफी बढ़िया चीज है। तो ग्लाइडर के रिगार्डिंग अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर एक बार पक्का वीडियो विजिट कर लो, जाकर के देख लो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज है वो हमारा हैंड कैनन वेपन। अब आपको नहीं पता हो तो हैंड कैनन वेपन क्या है, ये हैंड कैनन वेपन एक ऐसा वेपन है जो कि पिस्टल की तरह है, बट इसमें दो एमओ लगती है, वो भी एमओ लगती है हमारी लॉन्चर वाली। ये एक तरह से कहीं तो हैंड कैम, आपको पता ही चलेगा नाम से हैंड कैनन वेपन, तो ये हैंड लॉन्चर है, मतलब कि एक छोटा मोटा पिस्टल की तरह लॉन्चर है, जो कि डैमेज के मामले में उतना अच्छा नहीं है, जैसे M79 काफ़ी अच्छा डैमेज करता है। और साथ में आपको पता ही होगा जो दूसरा वाला आया था, तो वो जो दूसरा वाला बड़ा वाला लॉन्चर, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है क्या था, भूल गया मैं नाम, बट वो वाला लॉन्चर भी काफ़ी अच्छा डैमेज करता है, बट उनके कंपेयर में काफ़ी कम डैमेज देता है, बट ये एक अच्छा खासा आपका साथ निभा सकता है कि ये बहुत बढ़िया डैमेज देगा। और ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मल मोड में आ सकता है, क्योंकि ये ओवर पावर्ड नहीं है, उतना ज़्यादा ओवर पावर्ड नहीं है, ये सही एकदम वेपन है। और ये वेपन के साथ आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप पिस्टल की जगह इसको इक्विप कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, तो आप इसका यूज़ करो। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके वाले वेपन में आपको जो डैमेज मिलता है एवरेज डैमेज, वो मिलता है 79-80 का, तो 79-80 का कुछ 70-80 का डैमेज मिलता है, 79-80 एक का बता रहा हूँ, तो 70-80 का आपको डैमेज के आसपास ही मिलेगा इसका डैमेज, तो काफ़ी बढ़िया वेपन है, आप चाहो तो यूज़ कर लेना इसको, ठीक है। जो इसके बाद जो अगली चीज़ निकल के आती है सामने वो है हमारी न्यू मोड के रिगार्डिंग। तो न्यू मोड आपको FF कप देखने को मिलेगा। FF कप आपको पता होगा अभी हाल ही में आया था गेम के अंदर एनिवर्सरी के टाइम पे, और वो कुछ समझ नहीं आया था, मतलब बंदों को इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया था कि क्या हो गया भाई क्या हो गया, और बंदों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से यूज़ करना है। तो शायद ये FF कप दोबारा से आएगा, ये उस टाइम का था, मतलब आपको पता ही होगा जैसे मंथ बाई मंथ आता है ये FF कप, तो इस बार का भी FF कप आने वाला है जैसे कि उसमें लिखा हुआ था। तो अब ये शायद सीज़न 2 आएगा, क्योंकि वो सीज़न 1 था, तो सीज़न 2 भी आने वाला आपका FF कप का। तो देखने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो हैकर्स के रिगार्डिंग। तो हैकर्स के रिगार्डिंग बात करना चाहूँगा कि हैकर्स में बहुत सारी कंपनी बैन कर रही है, मतलब फ्री फायर की जो कंपनी है वो बहुत सारे हैकर्स को बैन कर रही है, कंटिन्यूसली हैकर्स को बैन कर रही है। उनकी कोशिश तो यही है कि हर एक हैकर को बैन करे और किसी को छोड़े ना, बट यहाँ पर दिक्कत एक चीज़ की हो रही है कि बंदे यहाँ पर अवेयर नहीं है इसके रिगार्डिंग कि उनकी आई डी बैन हो रही है, तो वो कैसे रोकें उसे। तो बताना चाहूँगा यार देखो, अगर आप हैकिंग कर रहे हो तो आप तो बुरी बात है, बट अगर आपने हैकिंग नहीं करी है देन आफ्टर आपकी आईडी है बैक हो आपकी आईडी बैन हो रही है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या पता आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज़ किया हो, क्योंकि अब जो कंपनी ने अपनी एल्गोरिदम थी, जो उनकी एल्गोरिदम थी हैकर्स को कैच करने की, पकड़ करके उनको बैन करने की, वो चेंज कर दी है। यहाँ पे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के तौर पे भी आपकी आईडी बैन हो सकती है। तो बताना चाहूँगा कुछ एप्लीकेशंस के नाम, अगर आप ये एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करना बंद कर दो, वरना आपकी आईडी बैन हो जाएगी, आपका ईमेल नंबर बैन हो जाएगा, आपका जो मोबाइल है वो बैन हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, तो आप गेम नहीं खेल सकोगे। तो इसके बाद सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम है फ्री फायर लाइट। फ्री फायर का कोई लाइट वर्जन ऑफिशियल वर्जन नहीं है, बट कुछ लोगों ने मोड APK बना करके इसका फ्री फायर लाइट वर्जन बना दिया, जिसमें आपको ग्राफिक्स कम मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो उन लोगों के लिए बढ़िया है ये, जिन लोगों का डिवाइस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो फ्री फायर ओरिजिनल फ्री फायर की गेम को कैच नहीं कर सकता, मतलब उनके साथ रन नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोग फ्री फायर लाइट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे कंपनी इसको बैन कर देगी जिस किसी भी बंदे ने फ्री फायर लाइट यूज़ करा। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है GFX टूल, ठीक है। तो नो बैन नो लैग, इनका नारा ही यही है, नो बैन नो लैग। तो बताना चाहूँगा GFX टूल को बैन हो जाएगा, क्योंकि GFX टूल से क्या होता है कि जो आपके ग्राफिक्स होते हैं उनको वो इन्हेंस करता है या फिर डिक्रीज़ करता है लो एंड डिवाइसेस के लिए,
हाई एंड डिवाइसेस के लिए जैसा चाहो आप अपनी गेम को कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस तरह की थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी बैन किया जाएगा GFX टूल की तरह। इसका जो अगली चीज़ है वो है HD ग्राफिक्स टूल। तो इनका भी नारा यही है नो बैन, तो बैन होगा। यहाँ पे अगर आप HD ग्राफिक्स टूल यूज़ करते हो तब भी आपकी ID बैन होगी। GFX टूल फ्री फायर बूस्टर इस नाम से भी एक एप्लीकेशन है, अगर आप इस एप्लीकेशन का भी यूज़ करते हो तो आपकी ID बैन होगी। फिर इसका जो अगली चीज़ है वो है GFX टूल ऑल APK। तो ये वाली एप्लीकेशन भी अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी ID बैन होगी। इसके बाद जो है गेमर बॉक्स, फिर इसके बाद है गेम गार्जियन। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी ID बैन हो जाएगी। और जैसे कि आपको गेमर बॉक्स और गेमर बूस्टर, लूलू बॉक्स को तो आपको पता है कितने सारे, क्या कहूँ मैं इसके बारे में, कितने सारे यूट्यूबर्स ने इसको बीच में प्रमोट किया था और उन यूट्यूबर्स ने यार बहुत बेकार चीज़ करी थी कि बहुत सारे लोगों की ID बैन हुई थी इसके चक्कर में। बाद में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली थी कि हमने यार इस चीज़ को प्रमोट किया, सॉरी तो बोल देना चाहिए। तो लूलू बॉक्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी ID बैन हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं जिनके एल्गोरिदम इन्होंने चेंज कर दिया। अगर आप ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अभी भी यूज़ कर रहे हो तो आपकी ID बैन हो सकती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टिल देन, बाय बाय, टाटा।